नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। पूरे पराठे के साथ अरवी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मसालेदार अरवी और अरवी का रसा तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। आज हम कुछ स्पेशल सुनहरी कुरकुरी अरवी की सब्जी बनाएंगे। तो आइए देखें, सुनहरी कुरकुरी अरवी की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये अरवी है और 250 ग्राम अरवी हमने ले लिए हैं, धो करके सुखा लिए हैं। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और तेल हमें अरवी तलने के लिए चाहिए और सब्जी फ्राई करने के लिए चाहिए। जीरा आधा छोटी चम्मच, अजवाइन आधा छोटी चम्मच, हींग 1-2 पिंच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक आधा छोटी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, अमचूर पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, और गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, अदरक 1 इंच टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, अदरक अगर नहीं चाहें तो ना लें, 2 हरी मिर्च हमने छोटी छोटी काट ली है। सुनहरी कुरकुरी अरवी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरवी को उबालना होगा। तो अरवी को हम कुकर में डाल देंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। कुकर बंद कर देंगे, गैस ऑन करेंगे और अरवी को हम 1 सीटी आने के बाद गैस धीमी करेंगे और 2 मिनट तक और उबलने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, गैस धीमी कर देते हैं और अरवी को और 2 मिनट तक धीमी गैस पर उबलने देते हैं। कुकर में सीटी आने के बाद हमने अरवी को 2 मिनट और उबाल लिया है धीमी गैस करके, और अब हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक अरवी को कुकर में ही रहने देते हैं। फिर कुकर खोल करके चेक करते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और अब हम अरवी को चेक कर लेते हैं। अरवी नरम हो गई है, अरवी उबल चुकी हैं। तो अरवी को हम प्याले में निकाल लेंगे और ये अरवी ठंडी हो जाए फिर हम इन्हें छील करके तैयार कर लेते हैं। अरवियाँ ठंडी हो गई हैं और इन्हें अब हम छील लेंगे। ये सारी अरवी हमने छील करके तैयार कर ली। अब हम अरवी को दोनों हथेलियों के बीच में रखकर हल्का सा दबा करके इन्हें चपटा कर लेंगे, इस तरह का शेप दे देंगे। ये अरवियाँ हमने सारी दबा ली हैं और अब हम इन्हें तलेंगे। तो गैस ऑन कर देते हैं और पैन में तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है और ये अरवी हम तेल में डाल करके तलेंगे। अरवी नीचे की ओर से हल्के ब्राउन हो जाएंगे, इसे पलट देंगे। अरवी दोनों ओर गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये अरवी भी तल लेते हैं। ये अरवियाँ हमने तलकर तैयार कर ली हैं और अब हम ये तेल किसी प्याली में निकाल देंगे और बस 2 टेबल स्पून तेल हम पैन में बचाएंगे। तेल गरम है, तेल में हम जीरा, अजवाइन, अरवी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे।
और अब ये अरबियाँ डाल देंगे। अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक। अरबियों को हम बिल्कुल लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले की कोटिंग अरबियों के ऊपर अच्छे तरीके से ना आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए अरबियों को 2 मिनट तक भून लेंगे। अरबी तैयार हैं। अरबियों को हम प्याले में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। सुनहरी कुरकुरी अरबी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट अरबी बनी है। इतनी अरबी की सब्जी को साइड डिश के रूप में परिवार के 3-4 सदस्यों को परोसा जा सकता है। सुनहरी कुरकुरी अरबी की सब्जी को पूरी पराठे के साथ परोसिए। आप ये अरबी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।